साथियों, अवसरों की समानता की जब जब बात आती है तो एक महत्वपूर्ण विषय हमारी बेटियों से भी जुड़ा है। मेरे सामने बैठे आप तमाम कैडेट, चाहे वो बेटे हो या फिर बेटियां, आपके जोश में और आपके सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं है। बेटियों को हर प्रकार के अवसर से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 4.5 वर्षों में बेटियों को वर्क फोर्स में प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए गए। श्रम, सेवा और उद्यम के साथ साथ देश के डिफेंस को भी हमारी नारी सशक्त कर रही है। इसके लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। पहली बार हमारी बेटियां फाइटर पायलट्स बनी है। तारिणी का गौरव तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब सेना में भी बेटियों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मिलिट्री पुलिस की टोटल कॉर्प में 20% तक महिलाओं की भर्ती के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, नारी शक्ति का दम बीते 4.5 वर्षों में राजपथ पर भी देखा है। पिछली बार महिला स्वर्ण दस्ता राजपथ पर उतरा था तो इस साल देश के इतिहास में पहली बार महिला जवानों की पूरी टुकड़ी परेड में शामिल हुई है। देश ने यह भी पहली बार देखा कि पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व एक बेटी ने किया है। बेटियां समाज के हर क्षेत्र में लीड करें, इसके लिए बेहतर माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 4.5 वर्ष की पूरी तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको आश्वासन मिलेगा कि अब नारी सशक्तिकरण, बेटियों की उपयुक्त भागीदारी पर चर्चा नहीं, एक्शन हो रहा है।